गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. थैंक यू. आपको भी. आप सभी को भी मुबारक ईद है. लेकिन जी थैंक यू. लेकिन बहुत मुबारक ईद है. कल ही थी और आज ये गाने का लॉन्च है. आपके चेहरे से लग रहा है काफ़ी खुश हैं आप. हाँ जी बिल्कुल खुश हूँ. बहुत ज़्यादा खुश हूँ. ईद की अलग खुशी है और गाने की अलग खुशी है. और बस अब ईदी भी चाहिए मुझे. मैंने हमने ईदी दे दी आपको गाना इतना अच्छा देकर. अब बहुत सारे प्यार के साथ और बहुत सारे अच्छे व्यूज़ के साथ हमें भी ईदी चाहिए. सोच रही हूँ. नहीं दे मतलब पूरी तरह से आप आई अंडरस्टैंड छा जाना चाहती हो. नहीं वो छा ही रही है. वो एकदम एवरी हर एक मोबाइल में इनका होता ही है यार. वो देखो बंदा इतना खुश है इनसे मिलके पता नहीं क्यों. वो ब्लश कर रहा है बंदा. पूरा उनके गाल गुलाबी हो गए हैं. ऑफ कोर्स इट इज एब्सोल्युटली. एंड ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं था. ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं था. इनफैक्ट मुझे अलाउड नहीं था सोशल मीडिया 3 साल पहले तक के. मैं कहीं खुद किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं थी क्योंकि ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा छोटी थी ये सब यूज़ करने के लिए. तो डैडी और मम्मा ने मना किया हुआ था कि नहीं करना है. बट वो लकीली जैसे ही बोलते हैं ना मम्मी डैडी कभी हाँ अच्छे मूड में हो हाँ बोल दिया और बना लो टाइप्स. तो वैसे बना एंड देन सडनली धीरे धीरे करके हुआ. बट सडनली ये 1 साल से बहुत ज़्यादा प्यार मिलने लगा सोशल मीडिया से इंटरनेट से. और ऐसा कुछ सोचा हुआ नहीं था. लेकिन वो बोलते हैं ना गो विद द फ्लो. और फिर अपने आप सब कुछ इतना अच्छा लगने लगा कि अब मैं भी कभी कभार सोचती हूँ कि लोग मुझे क्यों फॉलो कर रहे हैं और इतना क्यों पसंद कर रहे हैं. बट थैंक्स टू ऑल ऑफ यू इतना प्यार देने के लिए. दैट्स इट. हाँ मैं तो कब से कर ही रही हूँ. एज इन जब हमारा फर्स्ट लुक आया पोस्टर फिर वो टीज़र आया छोटा सा एंड अपना गाना यार. तो अपना गाना तो मतलब मैं दूसरों के गाने प्रमोट करती हूँ. लोग आते हैं तो उनके गाने प्रमोट करती हूँ. तो ऑफकोर्स जब अपना गाना है तो उसको तो पूरी जी जान लगा के खुद भी करना है और दूसरों से भी करवाना है. कि भाई मेरा गाना है प्रमोट तो करना पड़ेगा. ओके मिलन अंदर यू नो 5 दिन की वो स्टोरी क्या है उसके पीछे का राज अब बता दे क्योंकि उसके पीछे की कोई गाने से पहले कुछ 1 मिनट इज अबाउट जिंदगी की पॉडी डालना शुरू किया यूट्यूब पे. तो उसमें मैंने अपना डाला कि हाउ वॉट वॉज द एक्सपीरियंस. एक्चुअली एक्सपीरियंस यही था कि हम 5 दिन आर्मेनिया में गए थे और हमने 3 दिन शूट करना था और 2 दिन जैसे होता है ना दिल्ली वाले पार्टी करते हैं. तो 2 दिन पहले पार्टी तो कर ली और दूसरी रात को हमें पता चला कि 3रे दिन का जहाँ से हमने शूट शुरू करना है अगले दिन से वेदर ही बहुत डायनामिक है. कभी बारिश हो रही है कभी स्नोफॉल हो रही है. तो जो हमने सेट बना रखा था जो भी हॉस्पिटल देख रहे हैं आप इसका पूरा सेट बना रखा था हमने तो वो सब रुइन हो गया था बारिश के चक्कर में. और सारे आई स्वेयर ऑन माय गॉड मैं झूठ नहीं बोल रहा हम सारे रो रहे थे. मतलब मैं सेठी बाजी शैबी जिसने वीडियो इतनी अच्छी तरह डायरेक्ट की आशीष हम सारे लिटरली वी वर क्राइंग कि क्यों हो रहा है हमारे साथ. बट वो देख रहा होता है यार वो उसने कहीं और लेके जाना था हमें तो देख हम मैन कि उसने कहा कि यहाँ से 300 किलोमीटर दूर एक विलेज है वहाँ पे बहुत अच्छी लोकेशन है. तो वी जस्ट गैम्बल्ड एंड वी गॉट देयर. इट वाज वेरी ब्यूटीफुल. मतलब उम्मीद से दुगना हमें देखने को मिल रहा था. और आप कैनवास देखिए आप लैंडस्केप देखिए इट्स वास्ट. आई थिंक वो जो होना होता है ना जहाँ जहाँ लिखा होता है वहीं वहीं हो जाता है. तो ये 5 दिन की स्टोरी थी. स्टोरी में यही था कि हम रो रहे थे. किसी गाने ने हमें इतना रुलाया नहीं है जितना आर्मेनिया के वेदर ने रुलाया. So yeah, this was the story. Okay, E-Series has already crossed its top channel right now on right. the internet. Yeah. आपके जो गाना था उस पिछला वाला उसने 20 मिलियन कुछ ऐसा था? नहीं, 267 million हो गए. तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप इसको कितना आप सोच रहे हैं कि ये आगे जाएगा? मैंने कभी व्यूज पे ध्यान नहीं दिया टू बी वेरी फ्रैंक.
मैंने इस पे ध्यान दिया है कि मेरा गाना अगर कोई बच्चा गा रहा है या कोई बूढ़ी सी आंटी गा रही है या अंकल गा रहे हैं तो दैट्स अ हिट फॉर मी. अगर मेरा गाना रिक्शे में बज रहा है और मेरा गाना वही प्लेयर की एयरफोन सुन रही है तो दैट्स अ हिट फॉर मी. अगर मेरा गाना बच्चा स्कूल नहीं जा रहा कि मैं उसका गाना सुन के जाऊँगा, कलेश लगाओ या यू नो शी डोंट लगाओ या नजर ले जाएगी, मैं उसका गाना सुन के जाऊँगा, दैट्स अ हिट फॉर मी. दैट्स अचीवमेंट फॉर मी. दैट्स व्हाट आई ड्रीम्ड ऑफ. मैंने कभी जब हम मैंने सपने देखे थे तो व्यूज़ तो दूर दूर तक नहीं थे, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं दुनिया के नंबर वन चैनल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. दुनिया का नंबर वन चैनल टी सीरीज़ है. कॉन्ग्रेचुलेशन टू द इंटायर टीम. भूषण सर मेरे साथ इतने सपोर्टिव हैं. ही जस्ट ट्रीट्स मी एज अ यंगर ब्रदर एंड ही इज़ ऑलवेज बीन देयर. इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती कि मैं दुनिया के नंबर वन चैनल के साथ जुड़ा हूँ. या एक्चुअली द थिंग इज डिफरेंट, यू नो, वो एक आर्टिस्ट है, उन्हें अपने आर्ट का वैल्यू है. एंड ऑफकोर्स जो उन्होंने बोला वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनका जो असली अचीवमेंट है वो यही है कि कोई छोटा बच्चा भी उनका गाना गा रहा है और यू नो एक बुढ़ी औरत भी उनका गाना गा रही है. एंड जहाँ तक की बात व्यूज़ की, हाँ ऑफकोर्स इट मैटर्स फॉर मी. एंड इट्स नॉट दैट कि सिर्फ व्यूज़ ही मैटर करते हैं कि कुछ भी बना दो बस उसको व्यूज़ मिलने चाहिए, नहीं. ओवरऑल एक पैकेज होता है कि आपकी स्टोरी भी अच्छी है, लोग आपको पसंद भी कर रहे हैं, आपके गाने को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी एक्टिंग को अप्रिशिएट कर रहे हैं, डायरेक्शन को अप्रिशिएट कर रहे हैं और व्यूज़ दे रहे हैं. सो यू नो एक ओवरऑल जो पैकेज होता है मैं वो चाहती हूँ कि लोग सिर्फ व्यूज़ ना दें, व्यूज़ दें और उसमें कॉमेंट भी करें कि भाई हमने 20 बार ही देख लिया गाना लेकिन मन नहीं भरा. सो दैट इज़ व्हाट मैटर्स फॉर मी. ऑल्सो यू नो जैसे कि थर्टी के बारे में बताया, आपके लिए कितना डिफिकल्ट रहा इतनी ठंड में शो करना? बहुत डिफिकल्ट था, मुझे बहुत ठंड लग रही थी. फिर एक टाइम ऐसा आ गया कि ठंड लगना बंद हो गई लेकिन हाथ नहीं फील हो रहे थे, कान नहीं फील हो रहे थे, तो मैं कई बार डर भी गई कि क्या ऐसे कुछ पैरालाइज वगैरह तो नहीं हो गया मुझे. मतलब कुछ फील नहीं हो रहा और फिर आप बाहर होते हो घर से तो डर लगता ही है कि भाई यहाँ तबीयत खराब हो गई तो क्या होगा. तो मुझे ठंड एक्चुअली बिल्कुल पसंद नहीं है और बिल्कुल आदत नहीं है, बिकॉज मुंबई में इतनी होती नहीं है ठंड. लेकिन फिर भी काफ़ी ध्यान रखा, काफ़ी सारी चीज़ जगहों पर मुझे जैकेट दिया और कई बार मिलन नहीं अपना जैकेट, मैंने इसका भी जैकेट यूज़ किए हैं. तो हाँ ध्यान भी बहुत रखा, लेकिन हाँ डिफिकल्टी हुई, बट देन दिस इज ऑल वर्थ इट फॉर अ ब्यूटीफुल एंड गुड लुकिंग सॉन्ग. ऑल्सो इतने बिजी शेड्यूल से यू नो टाइम निकालना कितना मुश्किल था आपके लिए फॉर द शूट? नो, आई थिंक सबसे जो मेरी प्रायोरिटी है वो मेरा शूट है, मेरा काम है, और जितना भी बिजी हो अपने काम के लिए तो टाइम निकालना ही है. बाकी जितनी भी चीज़ें हैं मेरे, जो भी अपने गैदरिंग्स हैं या फिर कुछ भी और चीज़ें, वो मेरे लिए सेकेंडरी होती हैं. तो काम मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसके लिए तो मतलब टाइम निकालना ही है. सो इट वॉज़ नॉट डिफिकल्ट फॉर मी एट ऑल. इन फैक्ट आई वॉज़ वेरी हैप्पी एंड आई वॉज लाइक ऑफकोर्स मैं ब्लेस्ड हूँ कि यू नो इतने अच्छे सॉन्ग का मैं पार्ट हूँ. देखो एक ही बार में तीन क्वेश्चन उसने पूछ लिए मुझे, कौन से स्टार के साथ करना पसंद करेंगे, कौन सी जॉनर? वाह, अभी मैं क्वेश्चन ही भूल गई आपका, क्या क्या था? नहीं मैं समझ गई, आई अंडरस्टूड, आई एम जस्ट किडिंग. तो जैसे मैंने आपको कहा कि इट डजंट मैटर कि यही जॉनर मुझे करना है और यही स्टार के साथ मुझे करना है और अभी मुझे ये मूवी करनी है, नहीं. जैसे मैंने कहा कि वो जो फुल पैकेज होता है ना, कि आपकी स्टोरी भी अच्छी हो, जो कैरेक्टर आप करना चाहते हैं वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हो, इंस्पायरिंग हो, और एक्टर ऑफकोर्स अब कोई एक्टर मूवी करेगा तो ऑफकोर्स वो बहुत अच्छा और टैलेंटेड ही होगा. सो इट्स नॉट लाइक कि मेरा कुछ प्रेफरेंस है कि मुझे इसके साथ मूवी करनी है, इसके साथ नहीं करनी है. सब जितने हमारी इंडस्ट्री में सब बहुत ही अमेजिंग एक्टर्स हैं और आई विल बी ब्लेस्ड अगर मैं किसी के भी साथ मूवी करूँगी तो. लेकिन ऐसे कुछ पर्टिकुलर नहीं है, यू नो, कि ऐसा जॉनर करना है या ऐसी मूवी करना है, नहीं. बस अच्छा हो, इंस्पायरिंग हो और वही दिल को छूने वाली इमोशनल मूवी हो. ओके, लास्टली जाते जाते यू नो जैसे कि आपने कहा कि आपको मिलिन के सॉन्ग्स बहुत पसंद है, तो हमें आपका फेवरेट सॉन्ग बता दें ताकि वो मिलिन हमें गाते हाँ, सुना. मैं तेरी हूं, नहीं मैं मैं सुनूंगा, अब ये गाएंगे. नहीं ऐसा हो सकता है? हाँ ऐसा हो सकता है ना? नहीं, हम दोनों गा सकते हैं. मैं सुनता हूं इनके साथ, मैं गाना गाऊंगा. गाने के लिए मुझे एक सवाल पूछना,
आपके पास बहुत सारे सवाल हैं। मैंने बोल आपने जो भी काम किया उसमें आपने अपने कुछ प्रिंसिपल्स बना के रखे हैं, लाइक देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच यू नॉट वांट टू ट्राई और डू एज अ मैटर ऑफ योर हां जी उसके साथ। तो ये चीजें आगे भी जारी रहेंगी चाहे आप वेब प्लेटफॉर्म पे करें या फिल्में करें, ये चीजें आगे भी आप रखेंगे? हाँ जी बिल्कुल जारी रहेंगी। जब ये चीज़ स्टार्टअप ही लिया है अभी से, इसीलिए अभी से स्टार्टअप लिया है ताकि ऐसा ना हो कि बाद में आके चीज़ें आएँ कि अच्छा अब ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस रखी जा रही हैं, पहले नहीं थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी से ये मतलब पहले से ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और जो भी हैं वो आगे भी जारी रहेंगी। इट डजंट मैटर कि मैं मूवी कर रही हूँ या मैं किसी वेब सीरीज़ कर रही हूँ या मैं कोई एल्बम कर रही हूँ, तो किसी के लिए टर्म्स मेरी चेंज नहीं होंगी कि मैं मूवी कर रही हूँ तो मैं कर लूँगी इसमें और इसमें मैं नहीं करूँगी। नहीं, जो मेरी टर्म्स हैं वो हमेशा हर प्लेटफॉर्म के लिए होंगी। नॉट रियली, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस के वजह से जो मेरा टैलेंट है या जो मैं एक्टिंग अच्छी करती हूँ या जो लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं वो मुझे मेरी एक्टिंग या मेरे लिए ही दे रहे हैं। तो इनकी कंडीशंस में एक कंडीशन है कि सेट पे बोनवीटा जरूर होना चाहिए। हाँ? बोनवीटा बहुत पीती हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और कोई है तो बता दीजिए ना। मैंने ये बोनवीटा वाली बात तो की बात नहीं कर रहे। जब हम फ्लाई कर रहे थे तो मैंने कहा कि आर्मेनिया फ्लाई कर रहे थे तो मैंने इनसे पूछा कि यू नो वुड यू हैव सम टी और कॉफी, तो कह रही नहीं आई बस बोनवीटा। मैं कहा एयरपोर्ट पे कहाँ से लाऊं बोनवीटा? बिल्कुल आपको हर एक को लाना पड़ेगा। सी जैसे मैंने आपसे कहा कि द टर्म्स एंड कंडीशन इट डजेंट मैटर बिकॉज जिसको भी मुझे कास्ट करना होगा वो मुझे मेरे टैलेंट के बेस पर करेगा ना कि उन सारी चीज़ों के बेस पर, और अगर उसके लिए कास्ट करना होगा तो करेगा, बट फिर यू नो क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, क्वालिटी मैटर करती है, तो उस हिसाब से काम करेंगे। बट टीवी एज ऑफ नाउ आई स्टॉप डूइंग। ओके गाना गाना टेंथ को आ रहा है वो, उसके लिए भी ईदी चाहिए, लेकिन आज मैं इस गाने के लिए तो आई एम टोटली फॉर दिस सॉन्ग, सो आई विल ओनली टॉक अबाउट दिस सॉन्ग। थैंक यू, उस दिन बात करेंगे उसके लिए। हाँ ओके गाना हाँ इरशाद।